जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना। आइए देखते हैं आज की खबरें। मंत्रियों के विभागों का आज हो सकता है बंटवारा। एनडीए कैबिनेट की पहली बैठक में चार एजेंडों पर लगी मुहर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में अब विभागों के बंटवारे पर मंथन का दौर शुरू हो गया है। सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश के साथ दोनों डिप्टी सीएम की लगभग एक घंटे से ज्यादा मीटिंग हुई। इस दौरान हम के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी अपने बेटे संतोष मांझी के साथ मौजूद रहे। सीएम से मीटिंग के बाद डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी की मौजूदगी में बीजेपी की कोर कमेटी की मीटिंग हुई। वहीं दूसरी तरफ सीएम नीतीश कुमार भी लगातार अपनी कोर टीम के साथ बैठक कर रहे हैं। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि आज मंगलवार को मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो जाएगा। इसे लेकर लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने भी सीएम नीतीश से मुलाकात की। सोमवार को ही एनडीए की पहली कैबिनेट बैठक में कुल चार एजेंडों पर मुहर लगी है। इसमें संसदीय कार्य से दो और वित्त विभाग के दो एजेंडे हैं। चर्चा है कि 12 फरवरी को बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट हो सकता है, साथ ही 15 फरवरी से विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो जाएगा। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 9वीं बार बिहार के सीएम बने हैं, जिस दौरान उन्होंने कहा कि जहां थे वहीं आ गए हैं, अब कहीं नहीं जाऊंगा। इस दौरान दो डिप्टी सीएम सहित 8 मंत्रियों ने भी शपथ ली थी। नीतीश कुमार ने रविवार शाम 5 बजे 9वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ ली। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई थी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और नेता प्रतिपक्ष रहे विजय सिन्हा को मुख्यमंत्री बनाया गया है। शपथ ग्रहण करने के बाद सीएम नीतीश ने कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द हो जाएगा, साथ ही कहा कि अब कहीं जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। हमारे सशक्त नेतृत्व और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दोनों मिलकर के इस बात को समझे कि जनादेश सुशासन के लिए, शांति के लिए, सामाजिक सौहार्द के लिए है और इसको हमको मजबूत करना है। विकास की गति को डबल इंजन की सरकार मिलकर बढ़ाएगी, ये वातावरण बनाना है। ये बहुमत है। जब एनडीए एक हो गया तो ऑब्वियसली हमारा बहुमत है और बहुमत के आधार पर स्पीकर रहते हैं। और अवध बिहारी चौधरी जी बड़े सुलझे हुए पुराने राजनेता हैं, उनको तो स्वयं इस्तीफा कर देना चाहिए। ये थी आज की खबर। और खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज़, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।